हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यंजन द कुकरी क्लासेस चैनल। मैं शेफ मीरा रसोगी आज आपके लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च का अचार, सर्दियों में खास। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह है आज के इंग्रेडिएंट्स। यह है हरी मिर्च, मोटी वाली ली हुई है मैंने। इसे ऊपर से डंठल काट कर और इसे अंदर से हॉलो कर दिया है, इसके सीड्स निकाल दिए हैं। यह राई पीसी हुई है, मस्टर्ड ऑयल, सौंफ पाउडर यह भी पीसा हुआ है मैंने, दरदरा पीसा हुआ, दरदरा का मतलब ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है और हल्का मोटा रखा हुआ है, नमक, लाल मिर्च और ये हल्दी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, देखिए हाई फ्लेम है। इस पर हम सबसे पहले सरसों के तेल को पका लेंगे, हम इसे स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकें और मेरे मेज़रमेंट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। स्मोकिंग पॉइंट का मतलब होता है इसे हमने तेज़ गर्म करना है, इसमें धुआं, हल्का हल्का धुआं उठना चाहिए। जितनी देर में हमारा तेल गर्म होता है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये हम सबसे पहले सौंफ पाउडर ले लेंगे, राई ले लेंगे, इसमें सारे स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेंगे। ये अचार अपने आप में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी अचार है और सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे हमारे यहाँ बनता है ये। अब मैंने नमक डाल दिया है इसमें और अब ये मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बार हम इसे फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या डाला। सबसे पहले मैंने इसमें सौंफ डाली, राई डाली, हल्दी, नमक और मिर्च, और मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे ताकि ये बाइंड हो जाए। जो ये तेल हमने पकने रखा हुआ है हम उसी में से ही थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं इसमें धुआं उठ रहा है, ये स्मोकिंग पॉइंट तक आ चुका है, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से बाइंड हो चुका है, अब हम अपनी मिर्चों के अंदर इन्हें स्टफ कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इन्हें स्टफ कर लेंगे अच्छे से, हम अंदर तक डालेंगे इसे। इसी तरह से हम सारी मिर्चों को स्टफ कर लेंगे। आपको मेरे मेज़रमेंट्स वीडियो के एंड में मिल जाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखिए इस तरह से हमने ये पूरा भर लिया है और इसी तरह से हम सारी मिर्चों को स्टफ कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी हरी मिर्चों को इस तरह से स्टफ कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जार के अंदर जो मैंने ऑयल गर्म किया था उसे मैं ब्रश के हेल्प से पूरे में अच्छे से ग्रीस कर दूंगी इस जार को। ये हम इसलिए ग्रीस करते हैं ताकि हमारे एक तो अचार ख़राब ना हो और दूसरे थोड़ा मिर्च में थोड़ी ग्रीसीनेस आ जाए। इसके अंदर भर के हम मिर्च को अब हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। ये लगभग 10 से 15 दिन में खाने लायक हो जाता है, इसे आप डेली धूप में रखिएगा। इसी तरह से हम लाल मिर्च का अचार भी बनाते हैं। ये जो मसाला बचा हुआ है ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी सारा और थोड़ा ऑयल डाल दूंगी इसके ऊपर। इस तरह से ऑयल थोड़ा फैलाकर डाल देंगे हम। ऑयल ठंडा होने के बाद ही आप इसमें अचार में डालिएगा वरना कांच का जार है, टूटने का खतरा रहेगा। देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है, अब हम इसको इस तरह से एयर टाइट ढक्कन लगा देंगे और इसे हम धूप में रखेंगे। देखिए हमारे हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार है। अब आप भी डालिएगा और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।